वार्तिक खिल भागे चतुर्दश अध्याय में ब्रह्मा जी के तीन पुत्रों को परम पद की प्राप्ति, फिर उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि का विस्तार, दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन। विश्वपाण जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महाबाहु ब्रह्मा जी उस कमल पर खड़े होकर के दोनों बाहें ऊपर उठा करके घोर तपस्या में लग गए। वे तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे और अपने प्रभाव से अंधकार का निवारण करने वाले थे। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता ब्रह्मा जी उस समय सहस्त्र किरणों वाले अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तंत्र कल्याणकारी एवं विनाशी अचिंत्य स्वरूप सनातन देव भगवान नारायण दूसरा रूप धारण करके अपने आप को ही दो स्वरूपों में व्यक्त करके महातेजस्वी महायशस्वी योगाचार्य नारायण तथा परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण सांख्य आचार्य कपिल के रूप में वहां पधारे। ये दोनों महात्मा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली और क्षेत्र शरीर या अध्यात्म तत्व के चिंतन में तत्पर थे। देव ऋषियों द्वारा इनकी स्तुति की जा रही थी। वहां आकर के उन दोनों ने अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ब्रह्म का उपदेश दिया। वे दोनों ही पर और अवर, प्रकृति और पुरुष अथवा कारण तथा कार्य की विशेषता अंतर को जानने वाले थे। बड़े बड़े ऋषियों ने उनका वहां पूजन किया। उन्होंने इस प्रकार कहा, लोक बहुत हैं, अतः उन समस्त लोकों के नेता और गुरु ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं संपूर्ण विश्व के आत्मा तथा जगत की प्रतिष्ठा हैं। उनके विश्व तेजस प्रयाग और तुरीय नमक पाद सदृढ़ हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर के भू भव स्व इन तीनों व्याहुतियों का जप करते हुए ब्रह्मा जी ने इन तीनों लोकों की सृष्टि की। जैसा कि ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति कहती है, तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने पहले भू नामक मानस पुत्र को उत्पन्न किया जो अव्यय विकार रहित था। उसके मन में उस पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह था। पहले उत्पन्न हुए उस मानसिक पुत्र ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, महामते, ये जो कपिल नामक ब्रह्मा तथा वरदायक नारायण हैं, ये तुमसे जो कुछ कहें वही करो। तो विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजे उस समय ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भू नामक पुत्र को ये संचय हुआ कि मेरे पिताजी से भी बढ़ करके कौन है। तथापि उन दोनों के पास गया और हाथ जोड़ करके इस प्रकार बोला, मैं आप दोनों का सेवक हूँ, कहिए क्या सेवा करूँ। वे दोनों परमेश्वर बोले, जो सत्य एम अविनाशी ब्रह्म हैं उसके 18 पाश माने गए हैं। इन पाशों से मुक्त होने के लिए जो सत और अमृत परम तत्व है उसका तुम निरंतर चिंतन करते रहो। वशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजे उनकी ये बात सुनकर के वे ब्रह्मा जी का भू नामक मानस पुत्र उत्तर दिशा को चला गया। वहां जाकर के वह ज्ञान दृष्टि से विचार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। तब महामनस्वी भगवान ब्रह्मा ने पुनः मन से ही संकल्प करके भवर नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की। तब उसने भी पिता में ब्रह्मा जी से वही बातें कही कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के वह पूर्वोक्त दोनों ब्रह्माओं कपिल और नारायण की सेवा में उपस्थित हुआ। उन दोनों के पास आकर के वे पुनः उनके साथ ही भागवती गति परम पद को प्राप्त हो गया। उनके विचरे जाने पर वैभवशाली भगवान ब्रह्मा ने भूर भवर नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया जो मोक्ष साधन में अत्यंत कुशल था। वह भी अपने पूर्वजों के ही धर्म को प्राप्त हुआ और उसने भी उन्हीं की गति प्राप्त की। इस प्रकार ब्रह्मा जी के इन तीनों पुत्रों को उस कल्याणकारी महात्मा
कपिल एम नारायण ने उपदेश दिया और मुक्त किया। ब्रह्मा जी के उन तीनों मानस पुत्रों को साथ लेकर के वे भगवान नारायण और यतीश्वर कपिल अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस समय वे कपिल और नारायण अपने स्वरूप को प्राप्त एवं मुक्त हुए, उसी समय कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने पुनः घोरतर तपस्या आरंभ की। उस समय अकेले तपस्या करते हुए भगवान ब्रह्मा जी जब उनमें रम नहीं सके, तब उन्होंने एक शुभ लक्षण भार्या उत्पन्न की, जो उनके शरीर का आधा भाग थी। तप, तेज, कांति और नियम की दृष्टि से उन्होंने सर्था अपने अनुरूप भार्या की सृष्टि की थी, जो लोगों की सृष्टि करने में समर्थ थी। तब तपों में जीवन व्यतीत करने वाले ब्रह्मा जी वहां उनके साथ रमन करने लगे। उस समय उन्होंने समस्त प्रजापतियों, सागरों और सरिताओं की सृष्टि की थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने वेद माता त्रिपिदा गायत्री की सृष्टि की, फिर गायत्री से प्रकट हुए चारों वेदों का संकलन किया। इसके बाद पिता में ब्रह्मा ने अपने लिए भी अनेक लोक श्रेष्ठा पुत्र उत्पन्न किए। वे सब के सब प्रजापति थे, जिनसे समस्त लोगों का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके प्रथम पुत्र का नाम विश्वेश था। वे महातपस्वी हुआ। फिर उन्होंने धर्म नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की, जो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुलत्स, पुलय, क्रतु, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगरा और मनु को उत्पन्न किया। ये विख्यात ब्रह्म ऋषि अथर्व स्वरूप कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के ये 13 पुत्र महर्षि हैं। इनके जो वंश है उसका वर्णन किया जाता है। भारत, तुम्हारा कल्याण हो। अदिति, दीति, धनु, काला, धनायु, सिंहिका, मुनि, प्रबोधा, सुरसा, क्रोधा, विनिता और कद्रु, ये दक्ष प्रजापति की 12 कन्याएं हैं। जो 27 तेजस्वी नक्षत्र हैं, वे भी दक्ष की ही कन्याएं हैं। मरीचि के पुत्र प्रभावशाली कश्यप हुए, जिनकी तपस्या द्वारा सृष्टि की गई थी। दक्ष ने अपनी ये 12 कन्याएं उन्हीं को ब्याह दी। जन्मेजय, रोहिणी आदि जो सारी पुण्य नक्षत्र रूपा कन्याएं थी, उन्हें महर्षि दक्ष ने सोम नामक वसु को ब्याह दिया। लक्ष्मी, कीर्ति, साध्या, इच्छा अनुसार विचरने वाली शुभ लक्षण विश्वा और देवी मर्तवती, इन 5 कन्याओं को पूर्व काल में ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति ने उत्पन्न किया था। भारत, तुम्हारा कल्याण हो। धर्मदर्शी ब्रह्मा दक्ष ने ये 5 श्रेष्ठ कन्याएं सुरश्रेष्ठ धर्म को दे दी। ब्रह्मा जी की जो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली अर्धांग स्वरूपा पत्नी थी, उनका नाम सुरभि था। वह गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। भारत, तब लोक सृष्टि के हेतु को जानने वाले लोक पूजित ब्रह्मा जी ने गौओं की उत्पत्ति के लिए सुरभि के साथ मैथुन किया। उसके गर्भ से उन्होंने 11 पुत्र उत्पन्न किए, जो रिष्ट, पुष्ट, धर्मप्रायण, संध्याकाल के लाल बादलों के समान कांतिमान तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी थे। वे रोते और दौड़ते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। रोदन करने और दौड़ने के कारण वे रुद्र कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: निरिति, सर्प, अजैकपाद, मृगव्याद, पिनाकी, दहन, ईशर, अहिर्बुंध्य, भगवान कपाली, अपराजित तथा महातेजस्वी सेनानी, ये 11 रुद्र माने गए हैं। उसी सुरभि के गर्भ से सांड का उत्पन्न हुआ। सांड का जन्म हुआ बिना जोते बोए होने वाले अनाज, उड़द, लोनी, शाक, प्रश्नी, अक्षत, धान, जौ,
बकरे बछड़े उत्तम अमृत तथा श्रेष्ठ औषधियां इन सब का प्राकट्य सुरभि से ही हुआ है। धर्म से लक्ष्मी के गर्भ से काम की उत्पत्ति हुई। सांध्या ने सांध्य देवताओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी की पत्नी सुरभि ने भाव प्रभव और ईशान को उत्पन्न किया। अरंधति आरणी विश्वावसु बाल ध्रुव विज्ञात हृदय वाले महिष और तनुज मत्सर और विभूति ये सब सुरभि की संतानें हैं। विश्ववंता देवी सांध्या ने इंद्र का अनुसरण करके सुपर्वत विश और नाग नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक पत्नी का नाम सुरभि भी था। उस सुरभि ने प्रथम धार द्वितीय अविनाशी ध्रुव तृतीय विश्वावसु चतुर्थ सोमेश्वर पंचम पर्वत छठे योगेंद्र सातवें वायु और आठवें निरिति नामक वसु को उत्पन्न किया। इस प्रकार सुरभि से धर्म की संतानें उत्पन्न हुई। सुना जाता है कि धर्म से विश्वा के गर्भ से विश्व देवों की उत्पत्ति हुई है। महाबाहु सुधर्मा महाबली शंखपात महाबाहु दक्ष व पुष्यमान अनंत तथा महिरण ये चाक्षुष मनु के पुत्र हैं जो विश्वदेव बन करके उत्पन्न हुए थे। इनके सिवा विश्वावसु सुपर्वा महाशस्वी विष्टर तथा सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि पुत्र रुरु भी विश्वदेव हुए थे। इन समर्थशाली विश्वदेवों को देव माता विश्वा ने पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। मरुतवती ने मरुतवान नाम वाले शुभ लक्षण देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं अग्नि चक्षु हवि ज्योति सावित्र मित्र अमर सर्वृष्टि महाबाहु संक्षय विरज शुक्र विश्वावसु विभावसु अश्मंत चित्र रश्मि राजा निकुपिति हुयमान हुति चारित्र बहुपन्नग ब्रहंत ब्रहद्रुप तथा परतापन। पूर्व काल में धर्म से मरुतवती के गर्भ से दो शुभ लक्षण पुत्र और उत्पन्न हुए थे। राजन कश्यप से अदिति के गर्भ से 12 आदित्य उत्पन्न हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं इंद्र विष्णु भग त्वष्टा वरुण अंश अर्यम्मा रवि पूसा मित्र वरदायक मनु और पर्जन्य। ये 12 आदित्य श्रेष्ठ देवता है। आदित्य के षष्ठी के गर्भ से 2 शुभ लक्षण पुत्र उत्पन्न हुए जो रूप और बल में श्रेष्ठ थे। वे स्वर्ग के रूपवान पुरुषों में सबसे उत्तम थे। धनु ने दानवों को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। काला ने कालकेयों को असुरों तथा राक्षसों को पैदा किया। धनायुषा के पुत्र आधि और व्याधि हुए। सिंहिका राहु ग्रह की माता और मुनि गंधर्वों की जननी हुई। परभुदा अप्सराओं की माता हुई। सुरसा के गर्भ से सर्प हुए। क्रोधा से संपूर्ण भूतों और पिशाचों का जन्म हुआ। प्रजानाथ यक्षगण गुहक और समस्त चौपाय भी क्रोधा के ही पुत्र हैं। परंतु सुरभि की संतान भूत गवों को क्रोधा के पुत्रों में नहीं गिनना चाहिए। अरुण और गरुड़ विंता के गर्भ से उत्पन्न हुए। देवी कद्रु ने पृथ्वी को धारण करने वाले सर्पों और नागों को जन्म दिया। राजन महात्मा श्री हरि के उस पुष्कर प्रादुर्भाव के समय इस समय समस्त लोक एक दूसरे के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त हुए। मैंने गुरुदेव दैपायन के मुख से पुराण में यह पुष्कर प्रादुर्भाव का प्रसंग सुना है। पहले महर्षियों ने जो कुछ किया था वह सब उन्होंने मुझसे कहा था। जो महात्मा पुरुष सावधान होकर के इस क्षेत्र एवं प्रथम पुराण का सदा पाठ करता है वह इस जगत में संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करके शोक रहित होकर के परलोक में स्वर्गीय फलों का उपभोग करता है।
इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।